दोस्तों वखाड़ के Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है चलिए अब मैं आपको इसके क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताता हूँ कि ये कैसा आया है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आठ करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में आठ करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये सात करोड़ था तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 12 परसेंट का इंक्रीज हुआ है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख ही रहे हैं इसमें गिरावट हुई है अगर हम लोग इस कंपनी के एबीटा को देखें तो क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का एबिटा एक करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में 148 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये सन्तानवे करोड़ था अगर हम लोग इसके एबीटा टू सेल के परसेंटेज को देखें तो क्वार्टर थ्री में ये 18.5 परसेंट है जो क्वार्टर टू में 17.2 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में ये 12.7 परसेंट था तो एबिटा टू सेल के परसेंटेज में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर इंक्रीज हुआ है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का एबिटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हटाकर देखें तो ये 114 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में 109 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में यह छप्पन करोड़ था इस कंपनी के क्वार्टर थ्री का एबिटा का मार्जिन 13.3 परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में 12.7 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में यह 7.3 परसेंट था तो एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये इम्प्रूव किया है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का लॉस बिफोर टैक्स उनतीस करोड़ है प्रीवियस क्वार्टर में भी इस कंपनी ने उनतीस करोड़ का लॉस दिखाया था लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इकतीस करोड़ था तो आप देखिए इस कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर में भी उनतीस करोड़ का लॉस ही था और इस क्वार्टर में भी इस कंपनी ने उनतीस करोड़ का लॉस ही पोस्ट किया है क्वार्टर थ्री में इस कंपनी ने लॉस आफ्टर टैक्स सेवन करोड़ का दिखाया है जो प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चौंतीस करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पंद्रह करोड़ था तो आप देखिए इस कंपनी ने क्वार्टर थ्री में सात करोड़ का लॉस दिखाया है और यही अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है तो यहां इस कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लॉस दिखाया है यही शेयर होल्डर्स के लिए मेजर कंसर्न है कंपनी ने यह भी बताया है कि इस कंपनी का 1000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने का प्लान है और यह फंड रेज राइट्स इशू के थ्रू होगा और इस फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने डेट की रिपेमेंट के लिए करेगी और जनरल पर्पस के लिए भी यूज करेगी ये वखार्ड लिमिटेड का डेली प्राइस चार्ट है और इसका शेयर तीन सौ के आसपास ट्रेड कर रहा है अगर इस फाइनेंशियल रिजल्ट का इसके शेयर प्राइस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका जो पहला सपोर्ट लेबल है वो तीन सौ का है और अगर ये अपने 370 के सपोर्ट को तोड़कर नीचे की तरफ आने लगता है तो इसका जो दूसरा सपोर्ट है वो तीन सौ के आसपास है मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें धन्यवाद